हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि अपने भारत में कितने प्रकार के तोते पाए जाते हैं और इनके बच्चे कब मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा तोता है दोस्तों, जिसको करण मिट्टू के भी नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम पहचान करें तो ये तीनों मिट्टुओं में से सबसे मोटा होता है दोस्तों, और इनके जो पंख है उनके बीच में लाल लाल थोड़ा सा जैसे किसी ने लगा दिया हो ऐसा रहता है, मतलब पंखों के बीच में हरे पंख के बीच में लाल सा थोड़ा सा निकला रहता है। और इनके जो टोच है वो ऊपर के भी और नीचे के भी, मतलब दोनों टोच इनके लाल होते हैं। और जो नर पक्षी होता है उसमें एक साल बाद सिंदूरी कलर की और काली कलर की, ये दोनों कलर मिला के एक पट्टी बनती है दोस्तों। एक साल बाद, एक या किसी किसी में डेढ़ साल बाद बनती है। तो ये नर में बनती है और मादा में ये कंटी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के तोता की, जिसको हम गावटी तोता के भी नाम से जानते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो ये इनके जो पंख है पूरे हरे कलर के रहते हैं दोस्तों, और इनमें भी जो गर्दन के पास है ऐसे जो नर है उसके गले में कंठी आती है और जो मादा है उसके गले में कंठी नहीं आती। लेकिन इनमें एक फ़र्क रहता है दोस्तों कि इनके जो मतलब साइज भी छोटा रहता है और करण मिट्टू से, और जो इनके होठ है ऊपर के और नीचे के, ऊपर का टोच जो है लाल रहता है और नीचे का जो टोच है वो काला रंग का दिखाई देता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की मिट्टू की दोस्तों, तो ये बहुत ही दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है, भले सबसे छोटा रहता है और इसकी आवाज़ भी बहुत एकदम सुरीली निकलती है, एक नंबर से अट्रैक्ट कर देता है जो जो भी इसको देखता है उसको। तो इसकी जो पहचान है दोस्तों इस प्रकार से है कि इनका जो सिर है वो पूरा कलर वाइट रहता है दोस्तों, जैसे कि जो नर रहता है उसका एकदम लाल और काला टाइप रहता है, और जो मादा रहता है उसका भूरे रंग का रहता है, गुलाबी टाइप का। तो इस तरह से मतलब इनको कोई भी ऐसे बगैर पहचान के भी पहचान जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका पूरा जो सिर है वो जो बड़े मिट्टू है उनसे अलग ही रहता है। और जो इनमें जो नर रहता है उनमें उनका सिर लाल रहता है और पंखों में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लाल कलर का रहता है, और इनका पूंछ भी डबल कलर का रहता है दोस्तों, और इनकी जो टोच है वो गुलाबी कलर की रहती है। तो इनको बहुत ही आसानी से कोई भी समझ सकता है कि ये कौन से मिट्टू है करके। तो बात करते दोस्तों कि इनके जो बच्चे हैं ये कब 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 और कौन कौन से महीने में और किस किस के पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बड़े मिट्टू के, और उसके बाद में ये मंजोल मिट्टू यानी गावटी मिट्टू के, और फिर सबसे छोटे मिट्टू के बच्चे निकलते हैं। गावटी भाषा में अगर समझा जाए तो जिस समय आपके खेतों में चने और बटाने और जैसे सेमी और जैसे हो गए ये गेहूँ, इनमें जब भी मतलब ये फल्ली लगना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि फूल आए फल्ली आए है ना, जैसे कि ये बटाने दिख रहा है चने दिख रहा है, तो ये ऐसे जब लग जाए और आपके खेतों में मिट्टू आने लग जाए तब समझ जाना कि मतलब उनका अंडे और बच्चे देने का टाइम आ गया है, और वो मतलब बच्चों के लिए यहाँ से दाना चुग चुग कर लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब गावटी हिसाब के इसमें समय, गावटी हिसाब का समय है दोस्तों। और कैलेंडर के हिसाब से जो बड़े मिट्टू का है, पहले वो गड्ढा ढूंढता है, फिर गड्ढे को साफ करता है, फिर उसके बाद में अंडे देता है, और अंडे के बाद में अंडों से वो चूजे निकालता है छोटे छोटे, और उनको फिर बड़ा करता है, पालता है। तो फिर ये इस अवधि को उसको कुल समय 3 महीनों का लग जाता है दोस्तों, मतलब
धीरे धीरे भी करके इस प्रकार से ये बड़े वाली मिट्टी दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने तक मिलते हैं दोस्तों। और जो मंजले है ये जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने तक ये मिलते हैं। और जो सबसे छोटे हैं ये मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने तक इनके बच्चे मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों, मतलब तीनों मिट्टू जो है 3-3 महीने का समय लगाते हैं गड्ढे ढूंढने, बनाने और बच्चे उड़ाने तक का समय इनका, मतलब आगे पीछे सभी जो मिट्टू होते हैं ये 3 महीने के अंदर अंदर इनका सीजन ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इस